पंजाब च गैंगस्टर का खौफ लगातार जारी है। हुण फगवाड़ा च लटेरिया वालों पुलिस मुलाजम कुलदीप सिंह बाजवा ते ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई, जिस दौरान पुलिस मुलाजम की मौत हो गई। जिक्रयोग है कि देर रात घटना समय थाना सिटी के SHO अमनदीप नाहर के गनमैन कमल बाजवा करेटा गड्डी लुटन वाले गैंगस्टर का पीछा कर रहे सन। लुटेरिया ने उस पर गोलियां चला दित्तियां। नाल ही फगवाड़ा पुलिस ने इसकी सूचना फ्लोर पुलिस नूं दित्ती। फ्लोर च नाकाबंदी ते बैठी पुलिस का गैंगस्टर नाल मुकाबला होया। दोवां पासियां तों जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी दौरान 3 गैंगस्टर गोलियां का शिकार हो गए। गोलीबारी तों बाद पुलिस ने 3 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथा गैंगस्टर हनेरे का फायदा लैके भजन दे विच कामयाब होया। इस वड्डे ऐलान की जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके खुद दिती है। उन्होंने इस शहीद परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इस तों अलावा HDFC बैंक वालों भी शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की बीमे की अदायगी की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद की कुर्बानी से दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि शहीद कुलदीप सिंह बाजवा ने ड्यूटी दौरान कुर्बानी दी है, असी शहीदों और उन्होंने परिवारों नाल खड़े हाँ। दसनयोग है कि एक कार खो के भज रहे लुटेरिया का कुलदीप सिंह पीछा कर रहे सन, जिस दौरान वह लुटेरिया की गोली का शिकार हो गए। हुण सवाल यही बनता है कि पंजाब दे विच लगातार अमन कानून की स्थिति के उत्ते जो विरोधी सवाल चुक रहे सन, किते ना किते एक बार फिर पंजाब सरकार विरोधियों के निशाने पर है। जिहड़ी कि पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति है वह डावाडोल हो चुकी है। हुण वेखना होवेगा कि मान सरकार आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति किवें कंट्रोल करती है। पर विरोधी तो इत्थे ये भी मांग कर रहे हैं कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार तो पंजाब नहीं चल रहा, इस करके पंजाब दे विच केंद्र सरकार राष्ट्रपति राज लागू करे, क्योंकि किते ना किते सरकार नूं घेरन दा मौका इहो जिहियां घटनावां जरूर दे रही ने। हुण वेखना होवेगा कि पंजाब सरकार आने वाले दिनों दे विच की सप्लाई करती है, जां फिर इसे तरह जदों दी सरकार पंजाब दे विच बनी है उसे तरह पंजाब दे विच इसे तरह दीयां घटनावां वापरदियां रहणगियां जां फिर नहीं। गड्डी साडी अर्बन स्टेट कोल खोई जी। अच्छा जी, की कहंदे आ गन पॉइंट ते खोली गड्डी। अच्छा जी, गड्डी नूं ट्रैक करदे पए सी ते गड्डी नूं ट्रैक करके पहुंचे तां उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, मुंडे ते गोली लग गई ते इत्थे ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਤਾ ਕੁਛ? 4 ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਚਾਰਾਂ ਕੋ ਗਨ ਸੀ? ਦਿਖਾਈ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੇਟਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਰਮਸਟ ਘਰ ਸੀ, ਕਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਫਲੋਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ? ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਇਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ? SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।